हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि MSDS पे एक वीडियो बनाइए, सो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं MSDS के बारे में, यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जिसे हम शॉर्ट में SDS यानी सेफ्टी डेटा शीट भी कहते हैं। और इसमें हम जानेंगे MSDS कॉन्टेंट्स, यानी MSDS में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स, यानी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का, पहचान करने का बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पहचान पाते हैं कि ये किस तरह की हैजर्ड्स हैं। तो ये हम तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं अगस्त में बिजी रहने वाला हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं अगस्त में वीडियो में भी अपलोड ना कर पाऊँ, सो हम अगस्त के बाद से रेगुलर अपलोड करेंगे वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपसे चैट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी केमिकल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। उस इंफॉर्मेशन में ये मेंशन होता है कि ये केमिकल कितना हैजर्डस है, इसे कैसे सेफली हैंडल करना है, कैसे सेफली यूज़ करना है, यानी कंप्लीट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन उसमें दिया होता है। तो आइए इसे और डिटेल में जानते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं, तो ये सब हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, MSDS के बारे में और मैं आप लोगों को डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूँ, उससे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि MSDS हमें किस केमिकल प्रोडक्ट्स के साथ मिलता है। तो आपने जनरली जब अपने घर में यूज़ के लिए पेंट्स या कोई भी केमिकल्स खरीदते हो, परचेज करते हो कभी मार्केट से, तो आपने देखा होगा उसके लिए आपको MSDS नहीं मिलता है, यानी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। जैसे आप सिंपल प्राइमर या पेंट लेते हो, वो भी केमिकल प्रोडक्ट्स है, फिर भी हमें MSDS नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हैजर्ड्स नहीं होते हैं, यानी ज़्यादा कोरोसिव, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। लेकिन वहीं जब आप किसी हाईली फ्लेमेबल या हाईली हैजर्डस सब्सटेंस खरीदते हो, केमिकल्स खरीदते हो, तो उसके साथ हमें MSDS मिलता है, क्योंकि इसे हमें सेफली हैंडल करना होता है और यूज़ करना होता है, ये काफ़ी हैजर्डस होते हैं। तो हमें जब भी हाईली हैजर्डस या हाईली फ्लेमेबल केमिकल प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे कोई मार्केट से, तभी हमें MSDS मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं MSDS में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्या क्या उसमें मेंशन किया गया होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ MSDS, यानी MSDS में क्या क्या मेंशन होते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जो सबसे पहला होता है हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, यानी हैजर्ड्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम पहचानते हैं कि ये किस तरह के हैजर्ड हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सिंबल्स के साथ समझेंगे। और जो सेकेंड होता है कंपोजिशन इन्फॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, यानी इस केमिकल्स में जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने परचेज किया हुआ है, उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है, उसमें और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिला के उसे बनाया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और जो थर्ड है फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी अगर उसे केमिकल से किसी को कुछ होता है तो कैसे उसे फर्स्ट एड करेंगे, और अगर फायर के दौरान उसे कैसे हैंडल करेंगे, फायर से उसे कैसे रिलीज करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, यानी उसे हैंडल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, और उसे स्टोर कैसे करना है। और इसमें मेंशन होता है डिस्पोजल मेथड, यानी उस केमिकल को हम डिस्पोज कैसे करेंगे जब हमारा यूज़ हो जाएगा, उसे कैसे वेस्ट के तौर पे हमें डिस्पोज करना होगा सेफली, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी। PPEs के बारे में, यानी कौन से हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होगा। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, यानी किसी भी केमिकल्स का एक्सीडेंटली अगर बहाव होता है, रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, तो उसे कैसे बचना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा। डिटेल ऑफ सप्लाइंग कंपनी, जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है इस प्रोडक्ट को, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशंस के बारे में, यानी कौन कौन सी सिंबल्स हैं जिनके हेल्प से हम केमिकल हैजर्ड्स के बारे में जान सकते हैं कि ये केमिकल प्रोडक्ट्स जो हमने परचेज किया हुआ है वह किस तरह के हैजर्ड्स के अंडर आता है। तो चलिए एक एक करके इसे हम समझ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट सिंबल है ये एक्सप्लोजिव का, यानी अगर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट्स पे जो भी आपने परचेज किया है, अगर इस पे ये सिंबल लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि ये केमिकल प्रोडक्ट एक्सप्लोजिव है, यानी इसे एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव टेम्परेचर से अवॉइड करना है, बचा के रखना है।
और जो सेकंड है ये फ्लेमेबल यानी जोनल सील, यानी जो भी प्रोडक्ट्स पे अगर इस तरह की सिंबल लगी हुई है तो आप समझिए कि ये केमिकल इजली बर्न हो सकता है, ये फ्लेमेबल है। और जो थर्ड है ये कोरोसिव, यानी अगर आपकी स्किन पे आपके बॉडी पे ये गिरता है तो आपकी स्किन और बॉडी को ये बर्न कर सकता है यानी जला सकता है। फोर्थ है डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, यानी ये एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। अगर ऐसा सिंबल लगा है किसी केमिकल प्रोडक्ट्स पे तो आप समझिए कि ये एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, इसे हमें एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करना है। और जो फिफ्थ है ये हमारा टॉक्सिक, यानी जहरीलापन है इसमें, ये किसी भी तरह से इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी को ये काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। और फिफ्थ है हेल्थ हैजर्ड, अगर इस तरह की सिंबल लगी हुई है तो ये हमारे हेल्थ के लिए हैजर्डस है। अगर इस तरह के सिंबल लगा हुआ है तो स्किन इरिटेंसी, यानी आपकी स्किन पे ये खुजली, इस तरह की कुछ इरिटेंसी इरिटेट करने वाला फीलिंग आपको आ सकता है अगर ये स्किन पे आपको किसी भी तरह से एक्सपोज होता है तो। और फाइनली अगर इस तरह का आपका सिंबल लगा हुआ है तो आप समझिए कि ये गैस है जो कि अंडर प्रेशर है यानी प्रेशराइज किया हुआ है। तो इस तरह के सिंबल से हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की हैजर्ड्स हैं या हमारा केमिकल। तो ये सारे सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई होप कि आपने MSDS के बारे में इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ तो प्लीज़ आप कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।